सो मेरे सब्सक्राइबर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे 5 स्टेप्स जिससे आप या रोप जंप करके अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कमेंट में हाउ टू रोप जंपिंग, कितना रोप जंपिंग करना है, कैसा रोप जंपिंग करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो या फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ क्लियर कर दूंगा कितना रोप जंपिंग करना है, कैसे करना है और कैसा कैसा वगैरह वगैरह। तो अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हाउ टू डू रोप जंपिंग परफेक्टली, तो इस वीडियो में बने रहें और ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा डूइंग वार्म अप। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप बहुत ही जरूरी होता है। तो हम रोप जंपिंग से पहले अपने लेग्स का, अपने आर्म्स का और अपने शोल्डर्स का अच्छे से वार्म अप करेंगे, उसी के बाद ही हम अपनी रोप जंपिंग को स्टार्ट करेंगे। सो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा स्टार्ट स्लोली। जब भी आप रोप जंपिंग करने जाएं तो आपको हमेशा धीरे धीरे शुरुआत करनी है। आपको रोप जंपिंग की स्टार्ट कभी भी तेज तरीके से नहीं करनी है, इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको हमेशा धीरे धीरे स्टार्ट करना है, उसके बाद आप 1-2 मिनट रोप जंपिंग करने के, धीरे धीरे करने के बाद आप अपनी रोप जंपिंग को स्पीड दे सकते हैं और धीरे धीरे तेज रोप जंपिंग कर सकते हैं। सो जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा डू मोर रैप्स। अगर आप रोप जंपिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 कर लिए, 20 कर लिए उसके बाद रेस्ट लिया, 10 कर लिए, 20 कर लिए, 30 कर लिए उसके बाद रेस्ट लिया। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो जब भी हम रोप जंपिंग स्टार्ट करें या रोप जंपिंग करना चालू करें तो हमारे मन में यही बात रहनी चाहिए कि हमें कम से कम 200 से 300 रैप तो करने ही करने हैं रोप जंप पे, हमें 10-20 पे नहीं अटकना है। और हमेशा 200-300 रैप पे ही नहीं अटक जाना है, हफ्ते दो हफ्ते बाद आपको इसको 1000-2000 पे भी ले जाना है, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अवर फोर्थ स्टेप इज न्यू वेरिएशंस। हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करते रहें। यही मैं रोप जंपिंग में कहूँगा कि हमेशा एक ही रोप जंपिंग की टेक्निक पे ना अटकते रहें, नई नई रोप जंपिंग की टेक्निक ट्राई करते रहें, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कंसिस्टेंसी। आपको रोप जंपिंग ऐसे नहीं करना है कि 1-2 दिन की, फिर नहीं की, हफ्ते भर की, फिर नहीं की। आपको कम से कम 6 मंथ्स रेगुलर करनी है, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे अपनी हाइट पे और तभी आपको लगेगा कि हाँ, मैंने रोप जंपिंग करके कुछ गलत नहीं किया। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।